हेलो मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2004 हिंदी साहित्य इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। और ये ऑलरेडी सॉल्व्ड पेपर है, इसको आप देखिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन लोगों के लिए यह पेपर बहुत अच्छा होगा जो लोग यूपी पीसीएस या MPPCS या बिहार PCS या किसी अन्य PCS में या सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें जिन्होंने हिंदी साहित्य ले रखा है, तो उनके लिए यह विशेष रूप से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका समय 3 घंटे का दिया होता है और इसमें दो खंड होते हैं, एक अखंड और एक ब, ए और बी, ठीक है ना। प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात खंड अ का प्रथम पहला प्रश्न और खंड ब का प्रथम अथवा पांचवा प्रश्न, ये अनिवार्य में होते हैं, ठीक है ना। और इन दो अनिवार्य प्रश्नों के अतिरिक्त जो तीन कोई भी प्रश्न आप चुन सकते हैं, वो किसी भी खंड से हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कम एक खंड से, है ना, कम से कम एक प्रश्न आपको जरूर लेना है। अर्थात प्रत्येक खंड से कम दो प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, एक तो वो अनिवार्य वाला और एक जो आप इसके अलावा जो चुनेंगे। तो टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। अर्थात मोटा मोटा भाव ये समझ लीजिए कि आपको दो अनिवार्य हैं, एक पहला वाला और पांचवा वाला, और इसके अलावा में कोई भी तीन, ठीक है ना, जिनमें से कम खंड ए से एक हो और कम से कम खंड बी से कम एक हो। कम से कम एक का मतलब एक एक दोनों तरफ से हो जाएगा और एक कोई आप ए या बी में से चुन सकते हैं। खैर, आते हैं खंड आ पर। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया है और इसमें लिखा है किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग सहित आपको किन्हीं दो की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। इसमें प्रायः 4 दिए होते हैं और उनमें से कोई दो की आपको व्याख्या करनी होती है। तो देखिए जरा, पहला दिया है नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भये बिरसत भई निरखि राम राकेश हो ही सगुन शुभ शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करि भवन चले भगवान। तो पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए जरा, हम उत्तर पर आते हैं, का उत्तर दिया हुआ है वहां पर आते हैं। देखिए जरा, इसका संदर्भ क्या है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के उत्तराखंड जो लिखा है ये गलत है, बल्कि कहना चाहिए उत्तरकांड से उद्धृत है, ठीक है ना। तो ये बात आपको सबको पता है, और क्योंकि सिलेबस में भी उत्तरकांड ही दे रखा है, तो इसलिए ऑब्वियसली है कि ये उत्तरकांड से लिया गया है। फिर प्रसंग आता है। प्रसंग कब का है? जब लंका विजय हो चुकी होती है, तो उसके बाद लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या आने वाले हैं, उनके आगमन पर अयोध्या के नर नारियों के अप्रतिम हर्ष को कवि प्रकट करना चाहता है। अब व्याख्या दे लेते हैं इसकी। तो व्याख्या में कवि का कहना है कि अयोध्या सरोवर है। आप जरा ऊपर देखिए, जरा इसको जो ऊपर लिखा हुआ था उसको एक बार फिर से देखते हैं। लिखा है नारी कुमुदिनी, ठीक है ना। नारी कैसी है? कुमुदिनी के रूप में। कुमुदिनी का अभिप्राय क्या है? नारियां यहाँ पर कुमुदिनी यानी नलिनी, जो एक प्रकार का फूल है, उसके जैसी हैं। और अवध सर, अवध कैसा है? सरोवर के जैसा है, अर्थात अयोध्या एक सरोवर के रूप में है। और रघुपति विरह दिनेश अस्त भये। अब यहां पर का भाव समझिए, रघुपति विरह दिनेश, अर्थात जो रघुपति का जो सूर्य के रूप में उनका जो विरह था, ठीक है ना, उनका जो वियोग था वह अस्त हो चुका है। पूरी बात यहाँ पर यह है, रघुपति विरह दिनेश अस्त भय, ठीक है ना। यानी रघुपति जो है उनका वियोग सूर्य के रूप में अस्त हो चुका है। और विरसत भई निरखि राम राकेश, तो इसको समझिए जरा, यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है तो श्री राम का विरह रूपी सूर्य को अस्त होते देखकर श्री राम रूपी चंद्र को देखकर वो विकसित हो गई हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं उत्फुल्लित हो गई हैं। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाज ही गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान, ठीक है ना। तो अब देखिए, अनेकों प्रकार के हो ही सगुन, अनेकों प्रकार के शकुन हो रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, विविध विधि बहुत प्रकार के
बाजहीं गगन निशान, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। इसका क्या अभिप्राय है? नर नारियों को, नगर के जो नर नारी हैं उनको सनाथ करी। सनाथ करी का अभिप्राय होता है कृतार्थ करके। यहाँ पर है उनको उनका मालिक मिल गया, उनको उनका नाथ मिल गया है, उनको भगवान मिल गए हैं, तो उनको सनाथ करके भवन चले भगवान। भवन का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? राजभवन। तो राजभवन भगवान चल पड़े हैं। तो ये इसकी पूरी व्याख्या हो जाएगी। आगे इसमें आप टिप्पण भी डाल सकते हैं या टिप्पणी भी लिख सकते हैं। और वो टिप्पणी क्या है यहाँ पर? लोक काव्य के अनुकूल अत्युक्ति अलंकार को यहाँ वर्णन का आधार बनाया गया है। नर शब्द स्वयं कवि का अपने लिए कथन है। यह सामान्य नर यानी कवि उस वैभव का वर्णन कैसे कर सकता है जिसे देखकर सहस्त्रों जीव्या शेषनाग भी व्यक्त करने में संकोच करते हैं, और वाक देवी सरस्वती भी स्तंभित हो जाती है। अब ये अपनी तरफ से डाला गया, इन ये शब्द आपके कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ये शब्द आपके अपने कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ख प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए जो ख में क्या दिया है, सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए, भा परगास, परगास कहते हैं क्वार को, भा परगास कांस बन फूले, कंतन फिरे विदेश ही भूले, विरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर, बेगी आई पियु बाजो, गाजहु होई सदूर। अब इसको समझिए, ये जो है संदर्भ और प्रसंग जरा इसका देखते हैं। तो संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यावरण मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। आपको पता होगा जब हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो उसमें नागमती वियोग वर्णन जो है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये एक अद्वितीय वियोग वर्णन है, ऐसा किसी और ने नहीं किया है, तो वहीं पर का ये संदर्भ एवं प्रसंग दिया हुआ है। तो अब देखिए उस नागमती वियोग वर्णन में इन्होंने क्या पूरा कहा है, तो जरा उसको देखिए। इस पद्यांश में क्वार के महीने में विरहिणी नागमती की हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। जरा देखते हैं हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे हुई है। तो 1 मिनट, तो व्याख्या इसकी देखते हैं। तो नागमती के विरह की विवेचना करते हुए जायसी जी क्या कह रहे हैं, 1 मिनट, नागमती के विरह की विवेचना करते हुए जायसी कहते हैं कि जब चित्रा नक्षत्र का सम्मिलन चंद्रमा से और कोयल का सम्मिलन अपने प्रियतम से हो चुका है, तो नागमती की मनोभावना कहती है कि हे प्रियतम, आप भी मुझे आकर क्यों नहीं मिलते। अब देखिए कहाँ पर वो कहती है, जरा इसको देखते हैं क्या कहती है। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए। अब देखिए जो सरोवर को छोड़कर हंस चले गए थे वो पुनः आ गए हैं। सारस कुरलही खंजन दिखाए, सारस भी यहाँ पर दिख रहे हैं और खंजन पक्षी वो भी दिख रहा है, अर्थात खंजन भी आ गए हैं। भा परगास, परगास का अभिप्राय कुंवार में बता ही चुका हूँ। भा परगास यानी कुंवार आ चुका है, चित्र नक्षत्र आ चुका है, और जब चित्र नक्षत्र आता है तो उसका सम्मिलन चंद्रमा से हो चुका होता है, ऐसा माना जाता है। कि इतना सब होने के बावजूद नागमती की मनोभावना कहती है कि हे प्रीतम, आप भी मुझे आकर क्यों नहीं मिलते। यही नहीं, चातक के मुख में भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई हैं, और सीपी का मुख भी स्वाति की बूंद पड़ने के कारण मोतियों से भर गया है। जरा देखिए कह रहे हैं कि सारस कुरलहि खंजन दिखाए, भा परगास कांस बन फूले, कांस भी फूल चुके, कंतन फिरे, कंतन फिरे मतलब पति वापस नहीं आए, विदेश ही भूले, विदेश में ही हमको भूल गए हैं। विरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर, बेगी आई पियु बाजहु, गाजहु होई सुदूर। तो कह रहे हैं कि अब विरह रूपी हस्ति, हस्ति माने हाथी, वो हमारे तन को सालता है, हमारे तन को बहुत कचोटता है, हमको बहुत पीड़ा पहुंचाता है। घाय करे चित चूर, वो हमारे चित्त में घाव कर रहा है। बेगी आई पियु बाजहु, गाजहु होई सुदूर। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति में विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर करके कष्ट दे रहा है, आप शीघ्र ही शार्दूल के रूप में मेरे समीप आकर गर्जना क्यों नहीं करते, जिससे मुझे विरह रूपी हाथी से छुटकारा मिल जाए। ठीक है ना, शार्दूल रूपी आपके आते ही विरह रूपी हाथी डर कर पलायित हो जाएगा।
और एक बात और है यहाँ पर ऊपर, ये चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि पुराने सरोवरों की याद करते हुए हंस पुनः उस सरोवर में आ गए हैं जो वर्षा काल में उनको छोड़ गए थे। सारस के जोड़े कुलेले करने लगे हैं, जबकि खंजन पक्षी पक्षियों के जोड़े भी दिखाई पड़ने लगे हैं। जब सभी ओर मिलन की व्याप्ति है, जब सभी ओर संयोग है, तो हे प्रियतम आप भी आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते हो। सभी ओर मैदानों में काश के वन फूल उठे हैं, फिर भी न जाने मेरे पति विदेश में रहते हुए क्यों नहीं लौटे हैं। नागमती कहती है कि हे प्राणनाथ, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर करके कष्ट दे रहा है। आप शीघ्र ही शार्दूल के रूप में मेरे समीप आकर गर्जना क्यों नहीं करते, जिससे मुझे विरह रूपी हाथी से छुटकारा मिल जाए। शार्दूल रूपी आपके आते ही विरह रूपी हाथी डरकर पलायित हो जाएगा। अब इसमें अलंकार कौन सा है, यानी टिप्पणी आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, संपूर्ण पद्यांश में सांग रूपक अलंकार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा अगला दिया हुआ है ग ग वाले में। देखिए, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद पर असुर स्कंध, पर रहा दक्षिण हरि पद, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिकेय वाएं रंग रंग राग, मस्तक पर शंकर। अब देखिए, ये जो चीज है इसका संदर्भ और प्रसंग देखिए, तो प्रस्तुत पद्यांश महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पद्यावतरण है। अब देखिए यहाँ पर महाप्राय लिखा है, ये इसको महाप्राण कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कवि ने महाशक्ति के विराट स्वरूप की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो देखिए जरा व्याख्या क्या है। भगवती साधना में सफल होने पर राम ने देखा कि उनके सामने साक्षात श्री दुर्गा भास्वर अर्थात प्रकट रूप में विद्यमान है। देवी का बायां पैर महिषासुर के कंधे पर प्रहार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दाहिना पैर सिंह पर टिका हुआ है, और यह रूप परम ज्योतिर्मय है। उनकी दसों भुजाएं विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। उनके मुख मंडल पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई हुई है, जिसे देखकर जगत की समस्त शोभा एवं सुंदरता लज्जित हो जाती है। उनकी दाहिनी ओर महालक्ष्मी है, बाईं ओर महासरस्वती हैं, उनके दक्षिण भाग में श्री गणेश हैं। अब देखिए, दाहिनी ओर ही महालक्ष्मी है और दक्षिण भाग में ही श्री गणेश हैं, और वाम भाग में एक तरफ महासरस्वती है, और एक तरफ कह रहे हैं कि वाम भाग में अपने रणरंग राग अर्थात युद्ध मुद्रा के साथ देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय सुशोभित हैं, और महाशक्ति के मस्तक पर शिवशंकर जी शोभायमान। ऊपरी वर्णित पंच तत्वों से परिपूर्ण महाशक्ति का दर्शन करके श्री राम कृतकृत्य हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए टिप्पणी इसमें क्या कर सकते हैं आप। उपर्युक्त काव्यावतरण में कवि द्वारा पर्याप्त आरोहा विरोह चित्रित किया गया है। आरोहा विरोह का मतलब स्थिति कौन सी कहाँ पर है, ये स्थिति बताना ही आरोहा विरोह कहलाता है, आरोहा विरोह कहलाता है, आरोह अवरोह। खैर, आकस्मिकता एवं नाटकीयता का प्रयोग अधिक हुआ है, और यहाँ पर कवि निराला की कुछ स्थापनाएं विचारणीय हैं। क्या जब 108 कमल लुप्त हो जाता है, तब राम का मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचता है, उसे निराला ने बुद्धि दुर्ग कहा है। यहाँ दुर्ग का अभिप्राय दुर्गम से लिया जा सकता है। महाशक्ति विश्वरूपा है, समस्त ब्रह्मांड उनका अवयव है, लक्ष्मी श्री संपन्नता की देवी है, यह विदेहात्मक शक्ति है, सरस्वती बुद्धि एवं विश्लेषण की अधिष्ठात्री हैं, यह विश्व की ध्वंसक शक्ति हैं, गणेश विघ्न विनाशक हैं अर्थात मांगल्य के प्रतीक हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित हैं, कार्तिकेय ध्वंसक शक्ति हैं, इसलिए बाएं हैं, लक्ष्मी गणेश का एक युग्म है और यह परस्पर भाई बहन का संबंध है। देखिए, कई बार ये कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश को एक साथ पूजा जाता है, तो कई बार अलग अलग विचार हैं, अलग अलग वाद विवाद हैं, यहाँ पर तर्क दिए हैं कुछ विद्वानों ने, तो वो उसमें कुछ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि महाकवि निराला के द्वारा यहाँ पर भाई बहन का संबंध एक तरीके से समझा जा सकता है, इसलिए उन्हें दाहिने और सरस्वती जी को उनके विपरीत दिशा में बाएं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। ये तो आप सभी को पता होगा, कामायनी का है।
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। तो देखिए जरा इसका संदर्भ प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पर्यावरण छायावाद के स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्राणित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है, ठीक है ना। तो इसमें कवि का कहना है कि वह रमणी अर्थात श्रद्धा मनु से कह रही है कि आपको संघर्षों से घबराकर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सुख छिपा हुआ है। व्याख्या इसकी क्या है? श्रद्धा कहती है कि हे पिसुई, तुम दुख से निराश क्यों होते हो? तुम्हें दुख से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सुख छिपा हुआ है और दुख की पिछली रजनी बीत। अब देखिए जरा, दुख तो सुख का द्वार है। जिस प्रकार रात्रि के समाप्त होते ही दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, अर्थात रात्रि के समाप्त होते ही सुखद सवेरा छा जाता है और जैसे ही उषा का सुंदर तन अंधकार के भीगे आवरण में ढका रहता है, उसी प्रकार दुख सुख दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जीवन में दुख स्थायी नहीं है, जीवन में दुख स्थायी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं। तो खैर, जीवन में दुख स्थायी नहीं है, दुख की भी एक अवधि है। दुख सुख दोनों जीवन में क्रमानुसार आते जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्य धारण करे तथा कभी भी दुख में अपना धैर्य न खोए। जिस प्रकार सघन अंधकार के मिटते ही सुखद प्रभात की शुभ आभा प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार दुख के मिटते ही आशा का संचार मानव जीवन में हो जाता है। अब देखिए इन पंक्तियों में विशेष क्या है, यानी यही टिप्पणियां विशेष। अब देखिए जरा, इन पंक्तियों में परंपरित रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपकातिशयोक्ति, अर्थात रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। महाकवि भास ने अपनी नाट्य कृति स्वप्नवासव दत्तम या स्वप्नवासव दत्ता में लिखा है कि चक्र के समान सुख और दुख हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। चक्रारिव परिवर्तन्ते दुखानि सुखानि च। तो इसको देखिए, ये आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी पूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दो देखिए जरा। पद्मावत में नागमती के विरह का क्या स्वरूप है, ये आपको समझाना है। देखिए, नागमती के विरह वर्णन जो किया गया है उसका स्वरूप क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं और इसी को समझाते हैं, बाद में ये दूसरा वाला हम लोग देखेंगे। तो देखिए जरा, पद्मावती या पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष विशेष रूप से तीन चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। एक रत्नसेन का वियोग दो बिंदुओं पर दिखता है। पहली बार पद्मावती का वर्णन सुनकर वह मूर्छित हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे राजा थे वर्णन सुनकर मूर्छित हो जाते थे। तो वह जो है मूर्छित हो जाता है और वह पद्मावती से मिलने तक वियोग की उसी स्थिति में रहता है जिसे पूर्व गग कहते हैं। ये जान लीजिएगा, ये पूर्व राय कहलाता है, ये पूर्व गग नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, पूर्व राय। दूसरा बिंदु वह है जहाँ वह पद्मावती का दर्शन करते हुए पुनः मूर्छित हो जाता है तथा होश में आने पर उसे न पाकर वियोग का अनुभव करता है। तो देखिए, दो स्थितियाँ हो गई, एक पहली बार पद्मावती का वर्णन सुनकर और दूसरी बार वह जब मिलता है तब भी मूर्छित हो जाता है। तो ये दो बार रत्नसेन मूर्छित हो जाता है। उसके बाद पद्मावती का वियोग भी, अब देखिए, एक बार रत्नसेन का वियोग और दूसरी बार पद्मावती का वियोग भी इस रचना में दो बिंदुओं पर है। पहला बिंदु पूर्व राय का ही है, यहाँ पर भी ये पूर्व राय ही होना चाहिए जहाँ पर ऊपर लिखा है पूर्व गग, ये गलत छप गया है। तो पूर्व राय में क्या होता है कि जब रत्नसेन के सिंघल द्वीप पर पहुंचने पर योग के प्रभाव से वह विरह का अनुभव करने लगती है, मतलब सिंघल द्वीप पर रत्नसेन पहुंचता है, ठीक है ना, तो योग के प्रभाव से वह विरह का अनुभव करने लगती है। दूसरा प्रसंग वह है जब अलाउद्दीन द्वारा रत्नसेन को नजरबंद कर लिए जाने पर पद्मावती वियोग का अनुभव करती है। अब देखिए, जायसी ने नागमती के विरह का भी बृहद वर्णन किया है जो बेहद ही रमणीय, मार्मिक एवं विस्तृत है। नागमती रत्नसेन के, और हमको इसी पर कंसंट्रेट होना है क्योंकि ये जो नागमती का वियोग वर्णन है इसी को पूछा भी गया है। क्योंकि प्रश्न क्या है, प्रश्न एक बार दोबारा देख लेते हैं।
पद्मावती में नागमती के विरह का क्या स्वरूप है? उदाहरण देकर समझाइए। तो आप दो चीजों को, यानी रत्नसेन और पद्मावती के वियोग का भी एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और उसके बाद में आप नागमती पर आ सकते हैं। तो देखिए जरा, जो बेहद रमणीय, मार्मिक एवं विस्तृत है, नागमती रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप जाने पर एक वर्ष तक पति से विमुख रहती है। हिंदी समीक्षा में यह सर्वसम्मति से मान लिया गया है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग से ही अधिक्रमा है। इस वियोग वर्णन में उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का समावेश किया है कि यह वर्णन हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन के रूप में स्वीकृत हो गया है। इस संबंध में शुक्ल जी की स्पष्ट धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई है कि यह विरह एकदम लौकिक स्तर पर वर्णित किया गया है। ठीक है ना? यानी व्यवहारिक स्तर पर। लौकिक स्तर का मतलब है कि लोगों के स्तर पर, यानी यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गई है जो कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, जो व्यक्ति के लिए संभव है वही दिखाया गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन भूल कर पूरी तरीके से भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल हृदय को समान से स्पर्श करते हैं। स्पष्ट है कि नागमती के विरह में साधारणीकरण की जो तीव्र क्षमता विद्यमान है वह मूलतः इसलिए है कि नागमती ने विरह को रानी के विशिष्ट रूप में नहीं बल्कि नारी के स्वाभाविक रूप में देखा है। ठीक है ना? तो आप समझ पा रहे हो ना इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि नागमती एक रानी के रूप में न होकर एक नारी के रूप में और उसके स्वाभाविक रूप में वह विरह वेदना से व्यथित है। यदि वह अपना रानीपन नहीं भूलती तो उसके प्रतीक एवं उपमान महलों के भीतरी दुनिया के होते, और चूंकि उन उपमानों एवं प्रतीकों का, कह रहे हैं कि उन उपमानों एवं प्रतीकों का संबंध आम आदमी से नहीं होता, इसलिए उसका विरह भी एक उदाहरण बनकर रह जाता। यह एक विस्मय की बात है कि रानी नागमती ऐसी बातों से परेशान है जो कि महलों में रहने वाली को परेशान नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारिहु पवन झकोरे आगे, लंका दाही पलंका लागे, उठे आगी ओ आवे आंधी। अब जरा देखे, जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा। तो ये जो है वाक्य में पद्मावती के, पद्मावत के रूप में उनके भाव दर्शाता है, कवि के भाव दर्शाता है जो वाकई में तो काबिले तारीफ है। चारियों पवन झकोरे आगे, लंका दाही पलंका लागे, उठे आग हो आवे आंधी, नयन न सूझ मरो दुख बांधी। वाह, नागमती के विरह में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि विरह की भावुकता में रानी नागमती ने इतना अधिक आत्मविस्तार किया है कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। यह स्वाभाविक सी बात है कि जब व्यक्ति वियोग में होता है तो दूसरे व्यक्तियों से संबद्ध होना चाहता है और उन्हें अपना दुख बताना चाहता है, और दुख दूर करने की प्रकृति से भी दुखी होने की उम्मीद करता है। आप देखिए, समझिए, दुख दूर करने में प्रकृति से भी दुखी होने की उम्मीद करता है। जैसे सूर की गोपियां कहती हैं, मधुबन तुमकत राहत हरे। ठीक है ना? अब देखिए, सूर की गोपियां मधुबन से कहती हैं, तुम कैसे हरे भरे रहते हो। ठीक है ना? तो यानी प्रकृति से भी वो चाहती हैं कि जैसे हम वियोग में दुखी हैं उसी तरीके से तुम भी वियोग में दुखी होइए, है ना? आगे, ठीक वैसा ही अनुभव मानस में भी तब होता है जब सीता के अपहरण के बाद वियोग की दशा में राम वन के पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसी अवस्था नागमती की भी है। जो नागमती कभी बड़े बड़े राजाओं की ओर ध्यान नहीं दिया करती थी, वही पक्षियों से अब अपनी हृदय वेदना कह रही है, उनके सामने अपना हृदय खोल देती है और कहती है, पियूसो कहू संदे सड़ा हे भौरा हे काग, सो ध्वनि बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। अब देखिए जरा समझिए, ये भौरा और कौआ, तुम जाओ पियू से मेरा संदेश कह दो कि जो जो ये नागमती है उसके, वो एक तरीके से वियोग में इतनी जल गई है, जल चुकी है, जरी मुई। ठीक है ना? तेहिक धुआं, उसके जलने से जो धुआं उठा है वो धुआं हमें लगा और इसलिए हम काले पड़ गए। तो ये इस प्रकार का इन्होंने वियोग वर्णन किया है।
ऐसे उदाहरण तो हिंदी साहित्य में और भी हैं, किंतु विशेष बात यह है कि हिंदी साहित्य में पहली बार प्रकृति विरही के दुख से व्यथित होती है। जरा समझिए, इसमें कह रहे हैं कि प्रकृति पहली बार विरही के दुख से व्यथित होती है और दुख दूर करने के लिए सक्रिय रूप में भाग लेने को तैयार रहती है। अब देखिए एक उदाहरण इसका है, नागमती से एक पक्षी कहता है, फिर रो को नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिर दाहे सब पाखी, के ही दुख रहने न लावस आखी। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर पक्षी स्वयं नागमती के का दुख दूर करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रस्तुत है। नागमती के विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल वैयक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारी तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। इस विरह की मूल समस्या भोग का अभाव नहीं है, बल्कि यह है कि पति के बिना जीवन में सार्थकता नहीं है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू स्त्री है जिसके जीवन की सारी सार्थकता सांस्कृतिक व्यवस्था ने उसके पति में केंद्रित की है। नागमती के विरह में दोहरा दुख है, एक तो पति नहीं है और दूसरा यह कि पति एक और स्त्री की खोज में गया है, पति एक और नारी की खोज में गया है। तो इन सारे तनावों के बीच नागमती विरह की गार्हस्थिक रूप देती है, उसे भाग से नहीं जीवन की सार्थकता से जोड़ती है। उसकी दृष्टि में यह विरह भक्ति की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। चौमासे में स्वामी के घर में न रहने से क्या दशा होती है, इसका वर्णन नागमती ने इन शब्दों में किया है, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा। ठीक है ना, यानी अब तो पति के बिना मंदिर को छावा मतलब घर गृहस्थी कौन चलाए। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलंब श्रृंगार के अत्यंत समुज्जल रूप का विकास दिखाया है। यह आंशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। नागमती के वियोग में इस गार्हस्थिक चेतना ने उद्भूत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। नागमती यह अच्छी तरह समझती है कि मध्यकाल में पुरुष एवं नारी को समान स्वर पर देखती है, ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है उसे जितना भी मिल सके अपने पति का सहारा मिल जाए। वह पक्षी से कहती है, पद्मावती सुकहे विहंगम कंत लोभाई, कंत माने पति, कंत लोभाई रही कर संगम, पद्मावती से जाके कहना विहंगम, विहंगम मीन्स पक्षी, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोकह दिए दुंद दुख पीरा, यहाँ पर पीरा होना चाहिए, मोहि भोग सो काज न बारी, सोह दृष्टि के चाहन चारी। आगे बढ़ते हैं। नागमती का वियोग अपनी प्रतिबद्धता में भी अनूठा है। अपने पति के दायित्वहीन व्यवहार के बावजूद वह अपने प्रेम में पूरी तरह दृढ़ है। उसकी अंतिम इच्छा यही है, यदि प्रिय से संगम न हो तो भी कम से कम इतना अवश्य हो जाए कि मेरे जलने के बाद पवन मेरी राख को उड़ाकर उस रास्ते पर बिछा दे। अब देखिए जरा, मेरे जलने के बाद पवन मेरी राख को उड़ाकर उस रास्ते पर बिछा दे जहां से मेरे पति आने वाले हैं। इस बिंदु पर स्पष्ट होता है कि उसके जीवन की संपूर्ण सार्थकता पति को प्रसन्न करने में है, वैयक्तिक भोग की उसे लेश मात्र इच्छा नहीं है। वह कहती है, यह तन जारों छार कह कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहां पाओ। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्रायः ऊहात्मक हो जाती है। अब देखिए ये चीज भी समझने की जरूरत है, ऊहात्मकता का अर्थ क्या होता है। ऊहात्मकता विरह का ऐसा एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं विभत्स सा होने लगता है। अब जैसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है, यह तन जारों छार कर, मतलब कोई जो है उसको जला रहा है, तो ये जो है ना तन जरे और छार हो जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं एक विभत्स स्थिति की एक स्त्री जल रही हो, इस तरीके का सहारा लिया जा रहा है, तो ये असामान्य भी है और कहीं कहीं विभत्स होने लगता है, तो यही ऊहात्मकता कहलाती है। किंतु नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, परंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। विरह की अधिकता के कारण
जब उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण उपमान दिए हैं तो प्रायः उत्प्रेक्षा या संभावना के रूप में दिए हैं, न कि वास्तविकता के रूप में। ऐसा होने से अतिशयोक्तियां भी प्रभावशाली बन गई हैं। जानहु अग्नि के उठई पहारा। अब देखिए, अग्नि के उठई पहारा, सब लगहि अंग अंगारा, ओस लगहि अंग अंगारा। कुछ वर्णन ऐसे हैं जहाँ फारसी पद्धति के ऊहात्मक उपमान भी आए हैं, किंतु ऐसे वर्णनों में भी नागमती की व्यथा सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है, हंसी नहीं आती। दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मासु रहा न देहा, रकत न रहा विरहतन जरा, रति रति होई नयनन ढरा। अब देखिए जरा, यहाँ पर भी उसी तरीके से दिखाया गया है, दही कोयला भई कंत स्नेहा, तौला मासु रहा न देहा, ठीक है ना। तो ये भी ऊहात्मकता का ही उदाहरण है, रक्त न रहा विरह तंजरा, रति रति होई नयनन ढरा। शुक्ल जी का ऊहात्मकता के संबंध में कहना है कि जयसी का विरह वर्णन कहीं कहीं पर अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गंभीर बना हुआ है। उनकी अत्युक्तियां बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती है। समग्रतः कहा जा सकता है कि श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन जायसी अपेक्षाकृत अधिक मार्मिकता रमणीयता के साथ करने में सफल हुए हैं। वियोग वर्णन में मन की नाना स्थितियों का विशद वर्णन जायसी की विशेषता है। सामान्य हृदय तत्व का सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा प्रकृति में भी करुणा का संचार करके जायसी ने वियोग वर्णन की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। जायसी ने पद्मावत में तीन प्रमुख पात्रों के वियोग का वर्णन किया है, जिसमें नागमती के विरह वर्णन में उन्होंने अद्वितीयता का परिचय दिया है, जिसे हिंदी साहित्य में सदैव स्मरण किया जाएगा। ये था नागमती वियोग वर्णन और इसकी बात।